एयू का एंट्री टेस्ट है, इसमें जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं वो कितने होंगे? यू सीन है कि इसमें, अच्छा इसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं, खास तौर पे इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है ये कई दफा वो इंक्लूड कर देते हैं फिर एक्सक्लूड कर देते हैं, सो हर साल के लिए वो कोई ना कोई स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत एडजस्ट कर देते हैं। इसमें आप देखेंगे इसमें ओवरऑल जो है 120, आप कह लें कि 120 एमसीक्यूज आपको एग्जाम में इसके एकेयू के एंट्री टेस्ट में आएंगे, जिसमें 20 सवाल होंगे बायो के, 20 सवाल केमिस्ट्री के, 20 सवाल फिजिक्स के होंगे, इसके अलावा साइंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे और मैथ्स रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे साइंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं और मैथ्स रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल हमारे पास 120 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज देखनी है कि जो ये जो एकेयू का एंट्री टेस्ट है, इनका जो ज्यादा मेजर फोकस है ये किन सब्जेक्ट्स के ऊपर है, क्योंकि अगर आपने किसी एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर करना है, ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत ही अहम प्रिंसिपल क्या होता है, यू हैव टू फोकस मोर ऑन द मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज, राइट? सो जहां से आपको इम्तिहान का पोर्शन ज्यादा आना होता है आपने वहां पे ज्यादा फोकस करना होता है। तो अब देखिए इसमें साइंस रीजनिंग में से 30 सवाल पूछे जा रहे हैं, मैथ रीजनिंग में से 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हाफ जो पेपर है ये सिर्फ साइंस और मैथ रीजनिंग में से आपको आना है, राइट? तो 60 क्वेश्चंस यहां से आने और 60 क्वेश्चंस वो केमिस्ट्री और बायो में से आने, और सो इसलिए साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग जो है इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके एक रीजन ये भी है कि जब आप एफएससी कर रहे थे या आप ए लेवल कर रहे थे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोगों ने साइंस रीजनिंग और खास तौर पे मैथ के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं आपने इनको सॉल्व नहीं किया हुआ, आपने इन सब्जेक्ट्स को स्टडी नहीं किया हुआ, और वहीं से आपका कह लें कि एग्जाम का मेजर चंक आना है, राइट? सो इसीलिए आप लोगों ने जब एकेयू के एंट्री टेस्ट के लिए तैयारी करनी है तो आपने ज्यादा फोकस रखना है अपना साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग पे, और उसके बाद फिर ठीक है आपने इवन जो अपने साइंसेस हैं इनको भी आपने मुनासिब टाइम देना है, इनके भी जो की कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपने रिवाइज करना है। तो इसमें अब देखेंगे इस एग्जाम में क्वेश्चन आते कितनी तरह के हैं, तो देखिए एकेयू के एंट्री टेस्ट के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेट मी इरेज द इंक ऑन द स्लाइड और उसके बाद फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को, कि इसमें एकेयू कैंडिडेट्स में एक तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सेकेंडली एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और थर्डली एप्लीकेशन क्वेश्चंस आते हैं। यू गॉट द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड देन एनालिसिस एंड एप्लीकेशन क्वेश्चंस। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस दे आर इजी क्वेश्चंस, राइट? और सिंपली आप कह लें कि इससे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर होता क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर होता ये है कि आपको स्ट्रेट अवे जो बुक के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है सिर्फ और सिर्फ आपने उसी को रिकॉल करना, आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, राइट? तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यू हैव गॉट, एंड देन यू हैव गॉट द एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, राइट? तो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ कह लें कि जो इंफॉर्मेशन है वो ट्विस्ट करके आपको दी जाती है, तो आपने अपनी इनसाइट से उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अल्टीमेटली जो आपकी बुक की बेसिक इंफॉर्मेशन है या अपने कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए सादा लफ्जों में आंसर तक आपने पहुंचना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में स्ट्रेट अवे एक फैक्ट बुक में गिवन है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने उस फैक्ट को रिकॉल किया, आपने आंसर कर दिया, ये इजी क्वेश्चन है। एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको थोड़ा सा बुक डायरेक्टली बुक रिलेट करके आप आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, हाँ बुक की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लेके आप आंसर तक पहुंचेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, चूज द सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेक्टर्स, ठीक है? ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू है, ये आप लोगों ने खुद से अपने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। चूज द सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेक्टर्स, तो वेक्टर्स can never be added and subtracted by simple arithmetic means, A option. Vectors can always be added and subtracted by simple arithmetic means, ये B option है. C option है, vectors can usually be added and subtracted by simple arithmetic means, और D option है, vectors can sometimes be added and subtracted by simple arithmetic means, right? So always, never, usually and sometimes, इन चारों statements में मैंने एक-एक लफ्ज को just change किया, बाकी सारी statements same है. तो वेक्टर्स के बारे में सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो व्हाट इज द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ? देखिए आपकी बुक में लिखा है कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस,
हाँ, आपकी बुक ही में एक और जगह पे जाके लिखा है जहां पे पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स को डिस्कस किया गया है, वहां पे उन्होंने जाके लिखा है कि वेक्टर्स को कि जो पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं इनको हम सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि जनरली वेक्टर्स को सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक केस है वेक्टर्स का जब हम उनको सिंपल अरिथमेटिक मीन से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो समटाइम्स वेक्टर्स कैन समटाइम्स बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मीन्स। ये आपका होगा बेस्ट रिस्पॉन्स। तो आपने देखा किस तरह से एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, बुक में इंफॉर्मेशन गिवन है, जस्ट आपने उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है और सही आंसर तक पहुंचना है। तो ये आप कह रहे हैं कि मीडियम डिफिकल्टी लेवल के ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो मीडियम होता है। और थर्ड नंबर पे जो आपको एकेयू कैंडिडेट्स के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो आते हैं एप्लीकेशन क्वेश्चंस। दे गिव यू सम रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ सिनेरियो, एंड देन दे वांट यू टू अप्लाई सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल और सर्टेन बेसिक फॉर्मूला ऑफ योर सब्जेक्ट सो एज टू रीच द आंसर टू दैट क्वेश्चन। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये हार्डेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। कोई ना कोई रियल लाइफ क्वेश्चन स्टेटमेंट देके, रियल लाइफ सिचुएशन देके वो आपसे चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को हल करें। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो एप्लीकेशन क्वेश्चंस होते हैं। तो ये हार्डेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो एकेयू कैंडिडेट्स के अंदर जो एनालिसिस और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस हैं इनका काउंट बहुत ज्यादा होता है। चंद मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस एनालिसिस और एप्लीकेशन के होते हैं। तो एकेयू का जो एंट्री टेस्ट है ये एक कह लें कि हाईली कॉन्सेप्चुअल एंट्री टेस्ट है। बाय द वे जो टॉप ग्रेड की टीचिंग स्ट्रेटजी है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एकेयू एंट्री टेस्ट, वो हम लोग भी अपने लेक्चर्स के दौरान और इवन अपने एफआरएन में और इवन क्वेश्चन बैंक के अंदर थ्री लेवल्स पे ही टीच करते हैं। हम टर्म लेवल पे टीच करते हैं और फ्रैक्शन फिगर्स बताते हैं सो एज टू एनेबल यू टू आंसर मेमोरी क्वेश्चंस। उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट लेवल पे टीच करते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इंपार्ट करते हैं सो एज टू एनेबल यू टू आंसर द एनालिसिस क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर हम आपको इवन एप्लीकेशन लेवल पे जाके टीच करते हैं ताकि आप एप्लीकेशन क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकें। सो तीन ही कह लें कि क्वेश्चन के लेवल्स हैं और अकॉर्डिंगली तीन ही हमारे टीचिंग लेवल्स हैं। So, हम इंशाल्लाह आपको इस तरीके से एग्जाम के साथ कैलिब्रेट करेंगे। बहरहाल आपने अभी ये अंडरस्टैंड कर लिया कि जो एमसीक्यूज हैं ये किस तरह के होंगे। ये एक तो 120 एमसीक्यूज होंगे, साइंस और मैथ रीजनिंग के 60 क्वेश्चंस होंगे और साइंसेज के बायोफिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिला के 60, तो और उसके बाद अब ये देखें कि इन इन इनके अंदर होगा क्या। आपके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए जाएंगे, द टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें खास तौर पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ये ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एरिया है, जबकि जो साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग है ये क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है। यानी कि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो आपने पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं, समहाउ आपने उन्हीं उसी इंफॉर्मेशन से जाके क्वेश्चंस को आंसर करना है, लेकिन जो साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग है वहां पे आपने अपनी अपनी कॉमन सेंस को यूज करना है और आपने क्रिटिकली सोचते हुए वहां पे आंसर करना है। बेसिकली एकेयू ये देखना चाहता है कि आप लोगों की जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, अगर आपको किसी नई सिचुएशन में डाला जाए तो उस वक्त आप किस तरह से सोल्यूशन तक पहुंचते हैं, उस मुश्किल का हल निकालते हैं, उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ये चीज इंतहाई ज्यादा अहम है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की, कि जो टोटल मार्क्स हैं इसके वो कितने होंगे। यू सी नियर, जो टोटल मार्क्स हैं एकेयू कैंडिडेट्स के ये होंगे 120, 120 मार्क्स होंगे। और जो आपके साइंसेस का पोर्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें अगर आप लोग एक सवाल सही करेंगे आपको एक नंबर मिलेगा, और अगर आप एक सवाल गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, आपके स्कोर में से माइनस हो जाएंगे, लेकिन जो आपके पास जो साइंस रीजनिंग और मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन हैं उनके अंदर जो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। याद रखना कि आप लोगों ने किसी भी सूरत अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि किसी भी सूरत आपने साइंस और मैथ रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को अनएंसर्ड नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर खुदा ना खास आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता, अगर आप रैंडम गेस भी लगा देते हैं, सिर्फ एक ही चांस है, वो ये है कि आपका मे बी स्कोर आपका बेहतर हो जाए या आपका स्कोर वहीं पर रहेगा, कम से कम आप स्कोर लूज नहीं करेंगे। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इवन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी क्वेश्चंस को अनआंसर्ड ना छोड़ें, ठीक है, कि अनआंसर्ड ना छोड़ें। बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज में मैंने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन निकाली हैं और मैं उनको यहाँ पे शेयर तो नहीं करूंगा, इंशाल्लाह किसी और सेशन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन स्टैट्स ये बताते हैं कि आपके
जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर भी अगर नेगेटिव मार्किंग हो भी तो अगर आप क्वेश्चंस को अनआंसर्ड छोड़ें तो भी आपका स्कोर इंप्रूव होता है राइट right? तो भी आपका, क्योंकि देखिए ना, अगर आपने एक क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ दिया आपका एक नंबर वैसे ही चला तो गया है, तो लेकिन अगर आप चार क्वेश्चंस का तुक्का लगाते हैं, आपका चार में से एक का भी तुक्का लग गया, एक का भी गैस लग गया, तो आपका स्कोर जो है सारे का सारा कम्पनसेट हो जाएगा राइट, बल्कि इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा सा। ओके तो इसलिए स्टेटिस्टिकली मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अनआंसर्ड नहीं छोड़ना। ऑलराइट, सो उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टाइम अलाउड कि AKU के एंट्री टेस्ट के लिए टाइम अलाउड कितना होगा। तो सफिशियंट टाइम होता है 2 hours and 30 minutes, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी लेंथी स्टेटमेंट्स वाले होते हैं राइट, आपको टाइम जो बड़े ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर बेस्ड होगा, जो AKU का टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेपर बेस्ड होगा, तो इसका जो टेस्ट होगा ये मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर बेस्ड होगा, मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटर बेस्ड, मैं 100% ये तो नहीं कह सकता, कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर बेस्ड होगा, ये मेरा बेस्ट गेस है। उसके बाद फिर सिलेबस की अगर हम बात करें तो AKU ने अपना सिलेबस बकायदा तौर पे अपनी वेबसाइट पे प्रेस्क्राइब किया हुआ है, उसी सिलेबस में से पेपर आता है। तो सादा सी बात यह है कि आपकी जो FSC बुक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, वही आपका सिलेबस कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, तो वही आपका सिलेबस है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि जो स्टडी के रिसोर्सेज हैं अब वो कौन कौन से आप लोगों ने इसके लिए यूटिलाइज करने हैं, अगर आपने AKU के एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है तो कौन कौन से स्टडी रिसोर्सेज आपने प्रिपेयर किया या कहां कहां से आपने एंट्रेंस की तैयारी करनी है। सबसे पहले नंबर पे आपने अपनी टेक्स्ट बुक से तैयारी करनी है, अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं तो FSC की टेक्स्ट बुक को यूज करना, अगर ए लेवल के स्टूडेंट हो तो ए लेवल के की बुक्स को यूज करना, अगर आप केपीके के या सिंध के स्टूडेंट्स हो तो वहां की टेक्स्ट बुक्स ही को यूज करना। आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक्स यूज करनी है क्योंकि जितना टाइम शॉर्ट है आप नई टेक्स्ट बुक से सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड नहीं कर पाएंगे शॉर्ट टाइम के अंदर। तो बेस्ट चांस आपकी सक्सेस के लिए यही है कि आप अपनी ही टेक्स्ट बुक से इसके एंट्री टेस्ट की तैयारी करें, खास तौर पे अगर बात आए इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की। और ऑफ कोर्स जहां तक बात आती है इसकी साइंस रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की रीजनिंग की, तो उसके लिए आपको जो है वो ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा ऑन द toggle.pk रिसोर्स राइट। तो वहां पे हमने अपनी रिसर्च करके जो भी एग्जाम के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली आप इसी इन्हीं रिसोर्सेज से toggle.pk का कोर्स ज्वाइन करके, खासतौर पर ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं, वैसे तो साइंसेज की भी वहाँ पे मुकम्मल तैयारी है लेकिन ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं साइंस एंड मैथ रीजनिंग, इनकी तैयारी आप toggle.pk से बहुत अच्छी कर सकते हैं। ओके उसके बाद नंबर 7 पे क्या है, नंबर 7 पे वी हैव गॉट द इम्पोर्टेंट पॉलिसीज। अब इम्पोर्टेंट पॉलिसीज वो पॉलिसीज हैं जो कि आपके स्कोर को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है, उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। एक तो आपने सारे के सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, चेंज ऑफ आंसर्स अलाउड होता है, ठीक है, अमूमन उन्होंने बबल शीट दी होती है जिससे आपने लेड पेंसिल के साथ आंसर फिलअप करना होता है। तो अगर आपको लगता है बाद में कि ये मेरा आंसर जो चूज किया गलत है, आप इरेज करके दोबारा सही वाला बबल फिल कर सकते हो। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपने कैरी करना है कि जब आप एंट्री टेस्ट को AKU के एंट्री टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो उस वक्त आप लोगों ने साथ साथ क्या करना है, उस वक्त आप लोगों ने साथ साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले जाना है, ठीक है ना, कि आपको चेंज ऑफ आंसर्स बाद में भी अलाउड है। हाँ आप क्वेश्चन पेपर पे उस क्वेश्चन को मार्क कर दो, अगर आपको डाउट है यार मेरा सवाल पता नहीं है सही है कि गलत है, आप क्वेश्चन पेपर पे हल्का सा डॉट लगा दो, बाद में आप दोबारा अगर टाइम मिले तो कंसिडर कर लेना, लेकिन पहली दफा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चले जाओ। इससे फायदा ये होगा कि गॉड फॉरबिड इफ यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम आपके सारे क्वेश्चंस आंसर्ड होंगे, और अगर आपके पास एंड पे टाइम बच जाता है आप दोबारा आके अपने क्वेश्चंस को पढ़ के, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने आंसर्स को चेंज भी कर सकते हो, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे जिनको आपने मार्क किया था आप उनको उनके आंसर्स को दोबारा आप रिवाइज कर सकते हो इफ नीडेड राइट। सो ये पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें आपके क्वेश्चन जो है किसी भी सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनकी कोई कोई उनका प्रेस्क्राइब सीक्वेंस नहीं है कि पहले आपने मैथ रीजनिंग का पोर्शन करना है पहले फिजिक्स का करना है, इट्स ऑल अप टू यू, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। तो वो सीक्वेंस सब्जेक्ट्स का जो आपके लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है आप लोगों ने उसी को फॉलो करना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेस्ट सेंटर कौन से होंगे। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट सेंटर्स पाकिस्तान में और इवन दूसरी कंट्रीज के अंदर बनते हैं, तो आप लोग जब ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आप लोग सिटी चूज करते हो कहाँ पे आपने टेस्ट देना है, और जो आपका टाइम एंड प्लेस ऑफ टेस्ट है वो आपके एडमिट कार्ड पे जो लिखा होगा उसी के मुताबिक आपने वहां पे अपीयर हो जाना है टेस्ट सेंटर के अंदर, वहां पे आपसे पेपर ले लिया जाएगा।